सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो यार। तो वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यार, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो आज का जो सॉन्ग है गाइस, तुम्हारे ही रहेंगे हम। ठीक है, अब ये है तो स्त्री टू मूवी का गाना, बट ये जो चार गाने हैं स्त्री के, ठीक है, स्त्री टू के, आज की रात, आई नहीं, खूबसूरत और तुम्हारे ही रहेंगे। तो भाई ये गाना लेने का रीज़न एक है मेरा कि भाई आज की रात और आई नहीं जो सॉन्ग्स है वो 400 मिलियन 250 मिलियन पार हो चुके हैं। ठीक है, लाइक जस्ट 1.5 महीना, 50 दिन हुए हैं मूवी को आए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी 400 मिलियन 250 मिलियन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है ना, तुम्हारे ही रहेंगे हम, ये थोड़ा सा वन साइडेड रह गया। इसको भी मतलब 51 मिलियन है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट बाकी सॉन्ग्स के कंपेयर में यार मतलब लाइक 1/4 ही हो गया ना। मतलब कहाँ 400, कहाँ 250 और भाई 50। ठीक है, तो इसके साथ थोड़ी जस्टिस हुई नहीं। इसका अपन थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं कैसा है, और वरुण भाई ने गाया है ये सॉन्ग। तो वरुण भाई के अगर मैं सॉन्ग्स बताऊँ, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, जैसे आपने तुमसे सुना होगा, तुमसे ना, वो तेरी बातों में उलझा जिया का, ठीक है, वो है। द सेकेंड सॉन्ग इज़ तेरे वास्ते में ना 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 ना, ठीक है, ज़रा हट के ज़रा बच के का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं वरुण भाई के भी। तो अपन ये सॉन्ग सुनता है, म्यूज़िक सुनता है, क्योंकि मूवी तो भली देखी है बट तब उतना ये सॉन्ग जो है, अब भाई अगस्त की बात है, तब जस्ट मूवी आई थी, हमने सेकंड थर्ड डे में देख ली थी। ठीक है, मूवी तो काफ़ी अच्छी थी, कॉमेडी थी। ठीक है, और बाकी चलो बात है एंड में करते हैं, पहले सॉन्ग सुनता है, म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंड एज़ यूजल मेरे जो गिटारिस्ट भाई है, ठीक है, जितने भी भाई लोग हैं गिटारिस्ट, कि भाई आए नहीं और आज की रात तो चलो ठीक है, इसको अपन कैसे थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं गिटार पे। थोड़ा स्ट्रम मैं एक्सप्लेन करने के ट्राई करता हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये सॉन्ग थोड़ा सा अप एंड डाउन है, पर सुनता है। ठीक है, क्योंकि बैकिंग वोकल्स भी है, सचिन जिगर भाई लोग का सॉन्ग है, तो देखता है, आ जाओ, लेट्स गो। सुर में गाना सीखिए ध्वनि का ऐप के साथ, सॉरी, एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। क्या बात है, अगर हमें आपसे बात करनी हो या मिलना हो तो बस मुझे याद कर लेना। फिर से क्या बात है, लेके जहां आहा दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर सेट बहुत अच्छा बना है, आज भी बैठे हुए हैं हम, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही। क्या बात है, एमबीसी मूवी में बहुत सही लगा था। थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे, मुद्दते भी चंद लम्हों जैसी लगती क्या बात है, बात ही माइनर सी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम, तुम्हारे थे तुम्हारे ज्यादा एलिमेंट्स है नहीं तुम्हारे बट ही रहेंगे हम। ब्यूटिफुल यार, अब चक्कप डाउन चक्कप, अब चक्कप डाउन चक्कप, अब चक्कप डाउन चक्कप, समझ रहे हो, क्या बात है, बैकिंग वोकल्स अमेजिंग है, अमेजिंग। ओहो, बिछड़ के भी हम शिल्पा राव सफर से वफा जो कर पाए हैं, इस आतिश के समंदर से गुजर पाए नहीं मिली। ओ, यहाँ थोड़ा सा यार, रहे ये गाइस, ये वाली लाइन वापस सुनता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा से वही तो अभी आई गुजर पाए ये नहीं मिली तो क्या रहे उसी के, वो फिर भी तभी राज है वही सच
माइनर्स अच्छे यूज किए हैं, कहलाए हैं वही सच्ची मोहब्बत है। क्या बात है, होती नहीं जो कम तुम्हारे थे तुम्हारे। मेलोडी अच्छी है, काफी अच्छी मेलोडी है। ये पार्ट सबसे अमेजिंग है। अब इसमें है ना गाइज, और एक स्ट्रमिंग आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे डाउन चकअप अप चकअप, ये वाली है ना काफी बेसिक हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउन डाउन चकअप अप चकअप, डाउन डाउन चकअप अप चकअप, डाउन डाउन चकअप, मतलब वो जो तबला जो पीछे बज रहा है ना उसके साथ ये सिंक हो जाएगा, ठीक है, तबला या ढोल जो भी आप बोलो, ठीक है। मतलब वो प्ले में भी बहुत सही लगता है स्ट्रम के साथ, ठीक है, आप पिक से बजा रहे हैं या हाथ से ही बजा रहे हो, फिंगर से बजा रहे, उससे कोई मायने नहीं रखता यार, ठीक है। पर ये जो डाउन डाउन चकअप अप चकअप, डाउन डाउन चकअप, लाइक थोड़ा सा पीछे लेके मैं वापस से आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा और पीछे लेके यहाँ से बताऊँ, डाउन डाउन चकअप अप चकअप, डाउन डाउन चकअप अप चकअप, डाउन डाउन चकअप अप चकअप, डाउन डाउन चकअप, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब टक 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 टक, समझ रहे हो। ये श्रद्धा कपूर उसके रियल इसमें आ जाती है, ठीक है। तो हालांकि ये वाला पार्ट ट्रेलर में भी था ये मूवी के, तो इसलिए उतना अपने को कुछ लगा नहीं जब मूवी भी देख रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मालूम था ये पार्ट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एंड में पता चलता है कि भाई श्रद्धा कपूर एक स्पिरिट रहती है, ठीक है, मतलब एक आत्मा टाइप रहती है, तो उसका वो जो रियल रूप था उसमें वो आ जाती है, ठीक है, वो सॉन्ग के बीच में, तो वो तो ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑडियो की अपन अगर बात करें यार, गाना मतलब एकदम हाई लेवल भी नहीं है, बट एक जो प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग होता है ना उसका पूरा पूरा, मतलब एक जो एनवायरनमेंट बनता है, वो जो एक रोमांटिक जो फर्स्ट मीट नहीं बोलेंगे, मतलब एक होता है ना कि यार शी ऑल्सो लव्स मी आई ऑल्सो लव हर, मतलब वो वाला जो एक मोमेंट होता है, ठीक है, तो वो एक अच्छा इन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट वो बनाया हुआ है, ठीक है। और जो सॉन्ग की टाइमिंग है मूवी के अंदर वो भी मतलब काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब लोगों को बिलीव नहीं होता है बट राजकुमार भाई को पता रहता है, अरे वो आ गई है एंड दैट्स इट, ऐसा ऐसा है, तो वो तो चलो ठीक है, मूवी एंड सॉन्ग की बात है। पर ऑडियो वाइज अगर देखा जाए तो जो बाकी जो दो तीन सॉन्ग्स है उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा रह गया। लिरिक्स आर प्रिटी गुड, बट यार जो एलिमेंट्स है, जो सॉन्ग्स है ना, मतलब जैसे आप, अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे अगर आप आई नहीं सुनोगे तो भाई आधा तो भाई पवन सर जो है हमारे पावर स्टार एकदम, ठीक है, तो आधा तो उनके वजह से वो सॉन्ग चल गया। उनका जो टोन है, उनका जो मतलब वो जो बोलने का जो लहजा बोलता है ना अपन, इट इज़ अमेजिंग यार, ठीक है, तो आधा तो वो, और आज की रात तो यार मतलब अब उसमें मेरे को बताने की गरज है नहीं, ठीक है, वो इट इज़ नंबर वन सॉन्ग ऑफ दिस मूवी, ठीक है। और खूबसूरत भी अच्छा सॉन्ग है, अगर आपको लगता है कि यार खूबसूरत पे भी एक आधा वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज विशाल भाई का सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, बट उसमें ऐसा एज सच बताने को, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दीज सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, बिकॉज जब मैं मूवी देख रहा था ना गाइज, मेरे को है ना जो सॉन्ग का अरेंजमेंट है, मतलब ऑर्डर ऑफ सॉन्ग्स, वो मेरे को पसंद नहीं आया ये मूवी का, ठीक है, लाइक जैसे मूवी ख़त्म होने की बारी आती है, आई नहीं होता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा भेड़िया, मतलब वरुण धवन का कैमियो वगैरह का एक एक्सप्लेनेशन है, फिर खूबसूरत आ जाएगा लाइक विद इन 2 मिनट्स, तो मेरे को वो नहीं समझा, मतलब अगर जब वो, अब जैसे जो मूवी है ठीक है स्त्री 2, जब वो जो इसको लेके आता है ना, वो जो IAS की तैयारी करता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है, नाम एकदम से मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उनका जो थर्ड फ्रेंड रहता है ना, ठीक है, उसको जब लाते तब ये सॉन्ग डालना था, तब वो परफेक्ट बैठा रहता और बैकग्राउंड में बजा है, हालांकि वीडियो अलग से बनाई उन्होंने, बट तब काफ़ी अच्छा लगा रहता कि भाई तुम्हारा थर्ड फ्रेंड आया है, तुम उसको समझा रहे हो और सब बढ़िया, तुम मेमोरीज है, घूम रहे हो, दोस्त आया है तुम्हारा घर पर, तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहा था, ठीक है, ऐसा ये मेरा टेक है। बाकी तो चलो ठीक है, मूवी भाई 600 करोड़ प्लस जा चुकी है, सो उसकी बात तो अपन चलो ठीक है बाद में कभी करेंगे। तो दिस वॉज द सॉन्ग गाइज,
थोड़ा इसमें उतना नहीं था बताने को, आई नो दैट, बट ये थोड़ा यार एक साइडेड रह गया सॉन्ग, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी बातचीत की जाए, ठीक है। तो दिस वॉज दिस वीडियो, इसको यहीं रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जॉनर के साथ। थोड़ा सा यार मैं पुराना लाऊंगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट आई थॉट कि यार चलो स्त्री टू अभी अभी आएगी, थोड़ा सा ये सॉन्ग कर लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं कैसा क्या है, ठीक है। तो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।